अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं। आई एम सोनू फ्रॉम हाशमी एसोसिएट्स। आज हम कराची से गवादर जा रहे हैं और मैंने सोचा कि आपकी रहनुमाई के लिए एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो क्लिप बना दूं। तो ये हमारा सफ़र होगा थ्रू मकरान कोस्टल हाईवे और ये सफ़र हमारा तकरीबन 7-7.5 घंटे का होगा अप्रॉक्सीमेटली, और 653 किलोमीटर जो है वो यहाँ से इसका डिस्टेंस है। और सफ़र जो है वो बड़ा ही खूबसूरत सफ़र है क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी जगहें और नज़ारे देखने को मिलते हैं। और इसमें हमारी चार जो है वो स्पॉट्स हैं, जिसमें कुंडमलीर है और माड़ा बीच है, पसनी है और आगे फिर गवादर है जो हमारा एंड ऑफ द स्पॉट है। तो आइए, अब इस वक्त हम रास्ते में हैं और ज़ीरो पॉइंट से हम जब लेफ़्ट को मूव करेंगे तो फिर हमारा जो प्रॉपर एक थ्रू आउट सफ़र है वो स्टार्ट होगा। और इसकी मज़े की बात यह है कि इसके मकरान कोस्टल के साथ साथ जो थ्रू आउट चलता है वो अरेबियन सी जो है वो साथ साथ चलता है और बड़े खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा जो ये कोस्टल हाईवे ने जो है ना हमारे लिए बाय रोड जो सफ़र है वो बहुत इजी कर दिया है। 2002 में जो है जब ये सी पैक का प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था तब इसकी मुशरफ साहब ने इसकी कंस्ट्रक्शन करवाई थी और 2 सालों में 2004 में जो है वो कंप्लीट हो गई थी। तो जिसकी वजह से अब लोगों को बहुत आसानी है, नहीं तो पहले तो 3-3, 4-4 दिन लग जाते थे लोगों को गवादर पहुँचते। तो अभी रास्ते में हिंगोल नेशनल पार्क भी आएगा, फिर कुंडमलीर बीच आएगा। तो आइए मेरे साथ सफ़र का मज़ा लीजिए। पॉइंट पहुंच चुके हैं ओथल चेक पोस्ट के पास और ये जो प्रिंसेस ऑफ होप का स्टैचू है और सफ़र हमारा जो है वो जोरों से जारी है। देखिए गाइज, इस वक्त हम कुंडमलीर बीच पहुंच चुके हैं और ये आपको सामने छोटे छोटे हट्स और रेस्टोरेंट्स और होटल रिजॉर्ट्स बने नज़र आ रहे हैं। और ये देखिए कितने लोग यहाँ पे पिकनिक के लिए आए हुए हैं और ये बड़ा अच्छा टूरिस्ट रिजॉर्ट जो है वो टूरिस्ट स्पॉट बन गया हुआ है। तो देखिए आपको गाड़ियाँ और कितनी आवाम जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये एक बहुत अच्छा जो है वो टूरिस्ट स्पॉट है और
लोग बड़े खुशी से यहाँ पे आते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। और अभी मैं आपको इसकी जो प्रॉपर एक व्यू है उधर चल के आपको इसका एक व्यू दिखाता हूँ। होपफुली यू विल लाइक इट। ये देखें व्यू आपको नज़र आ रहा होगा। और ये अभी हम यहाँ ब्रेक करेंगे। ये हमने यहाँ 10-15 मिनट का स्पॉट लिया है और अब आपको यहाँ से इसका व्यू दिखाता हूँ। उम्मीद है आप सबको बड़ा पसंद आएगा और इसको बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। तो समुंदर भी जो है आज बड़ा मस्त है और बड़ा शोरोगुल में है और इसकी आप लहरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। माई गॉड यार, आई एम इन लव विद दिस प्लेस यार, अमेजिंग, वेरी अमेजिंग।
और व्यूअर्स, यहाँ से हमारा बुजी टॉप जो है वो शुरू हो चुका है। ये तकरीबन 1.5 से 2.25 घंटे का होगा। इसके राइट और लेफ्ट साइड पे जो है वो सारी जो है वो कुदरत की तरफ से तराशी हुई पहाड़ियाँ हैं। और ये हमारा प्रिंसेस ऑफ होप का स्पॉट है, वो आपको प्रिंसेस ऑफ होप का स्टैचू नज़र आ रहा होगा। इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है। ये कहा जाता है कि एंजेलिना जोली, जो हॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं, वो 99 में आई थी, तब वो UN की एम्बेसडर थी। तो तब उन्होंने इधर बलूचिस्तान का विज़िट किया, तो उन्होंने इसको प्रिंसेस ऑफ होप का नाम दिया, लोगों को एक उम्मीद दी।